भारत के लिए एकमात्र टेस्ट और 19 वनडे खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज विजय यादव अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। विजय की किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है और वो आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। भारत के लिए खेले इस क्रिकेटर को अपने इलाज के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। विजय यादव के बारे में ये जानकारी कई खेल पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर साझा की है। विजय यादव फिलहाल डायलिसिस पर बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया है कि विजय के बारे में ये जानकारी सार्वजनिक होने के बाद से ही उन्हें मदद मिलनी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि विजय के बारे में मिली जानकारी के बाद कई पूर्व खिलाड़ी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। इसके साथ ही हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन और BCCI भी उनकी मदद के लिए आगे आ गई है। कौन है विजय यादव? विजय ने भारत के लिए 19 वनडे और एक टेस्ट मैच खेला है। इन मुकाबलों में कोई बहुत यादगार प्रदर्शन तो नजर नहीं आता, लेकिन उन्हें लेकर क्रिकेट के वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपली ने एक किस्सा ट्विटर पर बताया है। विजय ने ट्वीट में बताया कि साल 1993 में हीरो कप के सेमीफाइनल में जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला जा रहा था, तो पारी का आखिरी ओवर सचिन तेंदुलकर को दिलवाने वाले विजय यादव ही थे। कोलकाता में खेले गए उस फाइनल में कप्तान अजहरुद्दीन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन को आखिरी ओवर सौंपा। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को 6 रन बनाने थे, लेकिन सचिन ने उस ओवर में महज 3 रन दिए और भारत को जीत दिला दी। विजय यादव का क्रिकेटिंग करियर। 55 साल के विजय यादव को एक अच्छा विकेट कीपर और लोअर ऑर्डर बल्लेबाज माना जाता था, जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट से रन्स बनाते थे। उन्होंने भारत के लिए एकमात्र टेस्ट मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 1993 में दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला मैदान पर खेला था। उस मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने 2 स्टंप्स किए, जिसमें एक स्टंपिंग जिम्बाब्वे के लेजेंडरी बल्लेबाज हेनरी फ्लावर का था, जिन्होंने उस पारी में 115 रन बनाए थे। दूसरी पारी में उन्होंने एक कैच भी पकड़ा था। जब उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला तो विजय ने 25 गेंदों में 30 रन की आतिशी पारी खेली। उस मुकाबले में विनोद कांबली ने भी 227 रन की पारी खेली थी। उस इकलौते टेस्ट के अलावा यादव ने भारत के लिए 19 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 118 रन बनाए हैं। विकेट के पीछे उन्होंने 19 खिलाड़ियों को आउट करने में योगदान दिया, जिनमें 12 कैच और 7 स्टंपिंग थी। विजय का वनडे डेब्यू साल 1992 में दिसंबर के महीने में हुआ था, जबकि वो आखिरी बार भारत की जर्सी में 1994 में कोलकाता के मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ उतरे थे। भारत के लिए खेलने के अलावा विजय ने 89 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले हैं। वो 1987 से 1999 के बीच प्रोफेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे, जिसमें उन्होंने 201 के हाईएस्ट स्कोर के साथ 3988 रन बनाए। इनमें 227 कैच और 46 स्टंपिंग भी शामिल है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।